पाबंदियों से नाराज उद्यमियों ने प्रदूषण मंडल व रिको के बाहर किया हंगामा। धरने पर बैठे उद्यमी। भिवाड़ी में उद्योग इकाइयों को एनजीटी व प्रदूषण विभाग द्वारा बंद कराए जाने को लेकर भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के नेतृत्व में प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड कार्यालय का घेराव किया और रिको कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। इससे पूर्व भिवाड़ी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सभागार में भिवाड़ी के उद्योगपतियों ने गुरुवार को बीएमए अध्यक्ष सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की, जिसमें प्रदूषण की वजह से प्रशासन के द्वारा उद्योग इकाइयों पर की जा रही कार्रवाई के विषय में मंथन कर प्रदूषण कार्यालय का घेराव व रिको कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरना देने का निर्णय लिया। प्रदूषण की वजह से प्रशासन एवं प्रदूषण विभाग की तरफ से बंद की गई उद्योग इकाइयों को पुनः चालू करवाने के लिए प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड एवं प्रशासन से आर पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद सैकड़ों की संख्या में एकत्रित होकर उद्योगपतियों ने राजस्थान प्रदूषण बोर्ड कार्यालय भिवाड़ी जाकर प्रदूषण बोर्ड के आरओ विवेक गोयल को घेर लिया और उनके समक्ष अपनी बात रखी। उद्योगपतियों ने प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के अधिकारियों एवं कंपनियों के अंदर जाकर मनमानी तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगाया। साथ ही भिवाड़ी के अंदर बंद की गई औद्योगिक इकाइयों को चालू नहीं करने की स्थिति में प्रदूषण बोर्ड के कार्यालय को आग लगाने की चेतावनी भी दे डाली। यही नहीं, प्रदूषण बोर्ड एवं कमीशन के अधिकारियों के द्वारा कंपनियों में जाकर जांच की गई तो उन्हें भी जान से मारने की धमकी दे डाली। इसी दौरान उद्योगपतियों के द्वारा प्रदूषण विभाग मुर्दाबाद, अलवर प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। कई उद्योगपति बोर्ड के आरओ विवेक गोयल पर बुरी तरह से भड़के हुए नजर आए तो वहीं बोर्ड के आरओ गोयल ने बड़ी ही शालीनता के साथ सभी उद्योगपतियों को जवाब दिया एवं उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। उद्योगपतियों का कहना है कि प्रदूषण की वजह खराब सड़कें हैं। केवल खराब सड़कों की वजह से 47% प्रदूषण होता है। यदि समय रहते रिको विभाग सड़कें ठीक करवाता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड भी मौन होकर देखता रहा और अब उद्योगों पर गाज गिराकर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं। हमारी बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी, जो कि हम कंप्लाइंस पूरा कर रहे हैं, उसका समाधान जानने के लिए आए कि किस वजह से बंद करी। जब हमारे कंप्लाइंस पूरी कर रखी है तो किस लिए बंद कर रखी है? अगर उन्होंने बदतमीजी करी और कुछ भी हो गया, व्यवहार से अगेंस्ट गए, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इतने दुखी हैं। बदतमीजी वो आते हैं, वो तो अपने आप महारथी बन के आते हैं। ये बंद कर, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। आप सभ्यता से आओ, सभ्यता से बात करो तो कोई तकलीफ नहीं है उनकी। वो तो समझते हैं कि जैसे हमने बहुत कुछ ऐसा कर रखा है जो हमारे पे लठ लेके आ रहे हैं, तो ये तो सभ्यता नहीं। हम इंडस्ट्री चोर तो नहीं है। जब हम शालीनता से बात कर सकते हैं तो उनको क्या अधिकार दिया जो हमारे को ऐसी बात करेंगे आकर? नॉर्म्स के अलग हटकर बात करते हैं। नॉर्म से वो तो आते ही इसी ढंग से हैं, उनको नॉर्म्स तो पता ही नहीं है ना। आए, अगर हम एक नॉर्म्स को पूरा कर रहे हैं तो पहले हमको ये कहें कि आपके नॉर्म्स पूरे नहीं है तो हम गुनाहगार हैं। वो नॉर्म्स तो चेक करते नहीं है और अपनी हुकूमत चलाते हैं, तो ऐसे कैसे हो पाए? इंडस्ट्री को चोर है क्या? इंडस्ट्रीज को चोर है क्या? किस तरह की इंडस्ट्रीज को बंद किया जा रहा है? आज के दिन तो सारी इंडस्ट्री बंद कर रखा है। कोई स्पेसिफिक नहीं बताया गया। पोल्यूशन बोर्ड बेसिकली क्या है कि ये मैं इनको बताया भी है कि ये जो भी क्या नाम है आदेश है ना, ये पोल्यूशन बोर्ड के आदेश नहीं है, ये एयर क्वालिटी कमीशन के आदेश हैं और उन्हीं की पालना सुनिश्चित की जा रही है। उद्योगों का आरोप है कि सर कमीशन की जो टीम जाती है वो मतलब नॉर्म्स को पार करके उनसे बदतमीजी करती है। नहीं, देखिए क्या है ना, कमीशन की जो टीम घूम रही है उसका तो मेरे को जानकारी नहीं होती कौन कमीशन की टीम यहाँ पे आ रही है, लेकिन कमीशन की टीम रहती है, लेकिन मेरे नॉलेज में ऐसा भी कोई नहीं आया है कि किसी ने किसी से कोई बदतमीजी की हो। और सर्विलांस की टीम को लेकर के भी उन्होंने सवाल उठाए? नहीं, सर्विलांस ने भी किसी ने मुझे अभी तक कोई ऐसे नॉलेज में कि किसी ने कोई बदतमीजी की हो, क्योंकि कोई बदतमीजी अगर ऐसे करता तो कोई ना कोई मुझे बताता। आपकी तरफ से अभी तक क्या उद्योगपतियों को आश्वासन दिया गया? नहीं, उद्योगपति को हम यही बोल रहे हैं कि उनको जो पहले 8 घंटे चलने का था, अब क्या नाम है, कमीशन ने कल के आदेश में 1 वीक में 5 दिन के लिए चालू करा दिया है। अब सारी इंडस्ट्री, चाहे वो क्लीनर फ्यूल पे हो, चाहे क्लीनर फ्यूल वाली तो 24 घंटा चल ही सकती हैं 7 दिन, और बाकी जो क्लीनर फ्यूल पे नहीं है वो भी 1 हफ्ते में 5 दिन लगातार चल सकती हैं 24 के 24 घंटे। ऐसी स्थिति आएगी नहीं ना, ऐसी स्थिति क्यों आएगी? क्योंकि उद्योगपति भी हमारे अपने ही हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोई उनसे और ऐसा कोई किसी ने मेरे मुझे नहीं लगता है कि किसी ने कोई वो किया होगा उनके साथ।